नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौतम। अपना चैनल टैग गौतम पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को मैं समझाने वाला हूं और बताने वाला हूं, अगर आप लोगों के पास कोई भी एक्सिस बैंक अकाउंट है तो उस वजह से अगर कभी भी यार अभी भी लेटेस्ट डेट पे भी या पुराने डेट पे भी कोई भी आप क्रेडिट कार्ड लोन, इंस्टेंट लोन कोई भी आपने यूज़ किया हो या व्यवहार किया हो, उस वजह से आपको अगर कोई भी क्रेडिट कार्ड का लोन का पेमेंट ड्यू रह गया हो या पेमेंट नहीं कर पाए थे या पेमेंट छूट गया है, तो उसको कैसे चेक करेंगे और कैसे देख सकते हैं, मैं आज की वीडियो में फुल प्रोसेस बताऊंगा। आपको स्टेप बाय स्टेप देखनी है। आपको अकाउंट लॉगिन करके नहीं देखना हो तो ये प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अकाउंट लॉगिन करने का इसमें ज़रूरत नहीं है। विदाउट लॉगिन पे आप यहाँ पे लॉगिन करके बहुत ही सिंपल स्टेप है, मोबाइल नंबर डाल के OTP डाल के आप लॉगिन करके आप देख सकते हैं कोई भी आपका फ्यूचर में लोन क्रेडिट कार्ड का कोई भी बिल आप ड्यू रह गया हो एक्सिस बैंक से, तो सिर्फ ये एक्सिस बैंक की प्रोसेस है। एक्सिस बैंक पे ही काम करेगा, कोई भी बैंक एनी अदर बैंक काम नहीं करेगा। तो एक्सिस बैंक से कोई भी आपको कोई भी ड्यू रह गया हो तो आपको चेक करना हो या देखना हो या जानकारी लेनी हो तो विदाउट लॉगिन पे, मतलब आपके इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल ट्रिक पे आप लॉगिन करके अपना पेमेंट ड्यूज देख सकते हैं। कोई भी आपकी पुराने फ्यूचर में पेमेंट रह गया हो ड्यू तो उसको देख सकते हैं या जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना गूगल क्रोम को लॉगिन कर लीजिए। गूगल क्रोम पे जाके वहाँ पे आप टाइप करेंगे एक्सिस बैंक। जैसे एक्सिस बैंक टाइप करेंगे और सर्च करेंगे, एक नया पेज खुल के आएगा जिसमें आपको पहला नंबर पे देख सकते हो एक्सिस बैंक पर्सनल बैंकिंग करके एक वेबसाइट आएगा, ऑफिशियल वेबसाइट आएगा एक्सिस बैंक का। उसमें लॉगिन इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से एक साइट खुल जाएगा। इस साइट पे आपको आनी है। इस साइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा अबाउट आस करके, अबाउट आस करके जो ऑप्शन आ रहा है उसमें क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे एक इस तरीके से पेज खुल के आएगा जिसमें आपको जाना होगा मेक पेमेंट्स पे, जो कि अबाउट आस पे जैसे क्लिक करेंगे मेक पेमेंट्स ऑप्शन आएगा। मेक पेमेंट्स ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हो एक ऑप्शन आ रहा होगा ओवरड्यू पेमेंट्स पे, पे माई ड्यूज। पे माई ड्यूज पे आपको क्लिक करना है। जैसे पे माई ड्यूज पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एक इस तरीके से नया पेज खुल के आ जाएगा जिसमें आपको यहाँ पे बताया जाएगा पे माई ड्यूज करके एक ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आपको मोबाइल नंबर डालने के बोलेगा। मोबाइल नंबर डालने के लिए आपको कंट्री कोड भी डालना पड़ेगा। कंट्री कोड के लिए आपका इंडिया का कंट्री कोड है +91, तो आपको यहाँ पे प्लस नहीं डालना है। प्लस नहीं डाल के आपको 91 सिर्फ डाल के आपका मोबाइल नंबर स्टार्टिंग करना है। मतलब आप क्या समझे, यहाँ पे जो हमारा कंट्री कोड है मोबाइल नंबर का वो है +91, तो आपको प्लस नहीं डालना है, सिर्फ 91 डाल के अपना मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालनी है जो कि आपकी एक्सिस बैंक अकाउंट पे आपकी लिंक है, उस मोबाइल नंबर को डालनी है। मतलब आप फ्यूचर में या अभी वर्तमान पे अगर कोई भी आप लोन या क्रेडिट कार्ड लिए हैं उसका पे ड्यूस रह गया हो, मतलब कोई भी अमाउंट पेंडिंग रह गया हो उसको चेक करना हो देखना हो तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करनी पड़ेंगे। तो जैसे मोबाइल नंबर डालेंगे नीचे आपको यहाँ पे साइट पे दिख रहा है कैप्चर कोड, मतलब ये कैप्चर कोड आपको एंटर करना है। यहाँ पे कैप्चर कोड जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ रहा होगा एंटर डिटेल्स। जैसे एंटर डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे इस तरीके से एक पेज खुल के आ जाएगा जिसमें आपको बताया जाएगा जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो मोबाइल नंबर आपने डाला था, तो उस मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पे डाल के वेरीफाई OTP ऑप्शन पर क्लिक करना है। मतलब आपने जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाला था उस मोबाइल नंबर पे आपको OTP भेजा जाएगा, उस OTP को यहाँ पे डालना पड़ेगा। डालने के बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। जैसे वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे इस तरीके से आपको प्रोसेस होएगा, तो प्रोसेस आपको कोई भी बैक बटन वगैरह नहीं लेना है क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लेगा आपको, कम से कम 2 से 3 मिनट आपको टाइम लग भी सकता है, तो आपको यहाँ पे वेट करनी, कोई भी बैक बटन या क्लोज नहीं करना है। थोड़ा वेट करने के बाद इस तरीके से एक नया पेज ओपन हो गया आएगा जिसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, एक मिलेगा क्रेडिट कार्ड, दूसरा मिलेगा लोन। देख सकते हो मेरा क्रेडिट कार्ड पे अभी क्लिक है जो कि नो रिकॉर्ड फाउंड्स, जो कि यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, मतलब मेरा फ्यूचर में या वर्तमान पे कोई भी लोन या क्रेडिट कार्ड पे ड्यू नहीं है, कोई भी पेमेंट कोई भी अमाउंट ड्यू नहीं है। जिनका आप
देखना चाहते हैं या वेरीफाई करना चाहते हैं, सेटिस्फाई होना चाहते हैं जो मेरा फ्यूचर में मैंने जो लोन लिया था उसका पेमेंट ड्यू पेंडिंग है या नहीं है। अगर पेंडिंग रहता है कोई भी अमाउंट तो आपको सिबिल बहुत ही ख़राब होता है और उस वजह से आपको लोन एनी अदर बैंक देता नहीं है या आप फ्रॉड लिस्ट पे चले जाते हैं, जिस वजह से आपको यहाँ पे चेक करना अनिवार्य है और चेक करके आप अपना पेमेंट को कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप अपना क्रेडिट कार्ड पे, देखो मेरा जो ऑप्शन आ रहा है इसमें नो रिकॉर्ड करके आ रहा है, मतलब इसका मतलब मैंने एक्सिस बैंक से मेरा कोई भी अभी तक का लोन ना तो क्रेडिट कार्ड है। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्रेडिट कार्ड पे कोई भी रिकॉर्ड नहीं। अगर लोन पे मैं क्लिक करूँ तो देख सकते हो लोन पे भी कोई भी मेरा रिकॉर्ड नहीं है। इसका मतलब मेरा एक्सिस बैंक का अकाउंट तो है बट मैंने लोन ना तो क्रेडिट कार्ड ऐसे जेन्युइन पे भी मैंने यूज़ नहीं किया है, जिस वजह से मेरे को डाटा नहीं शो करा। अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड या लोन यूज़ करा है या लोन लिया था या क्रेडिट कार्ड लिया था, अगर पेमेंट ड्यू रह गया हो या नहीं रह गया हो या क्या क्या कितना लोन चल रहा है कितना क्रेडिट कार्ड चल रहा है आपको चेक करना हुआ जानकारी लेना हो तो ये इस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपना जानकारी ले सकते हैं। तो अगर मेरे वीडियो देख के थोड़ा सा भी आपको हेल्प हो जरूर वीडियो को एक लाइक कीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।